शून्य और एक का प्रगुण देखते हैं। शून्य और एक का प्रगुण क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, शून्य को किसी भी संख्या में अगर आप जोड़ते हो, जैसे 1/7 है, इसमें शून्य जोड़ रहे हो, आपके पास 1/7 मीटर लंबा कपड़ा है और मैं आपको 0 कपड़ा दूं, तो कपड़े में कुछ वृद्धि होगी? मतलब सेम वही वैल्यू रह जाएगी, है ना। अब देखो इसका मतलब हो गया कि शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, तत्समक बेटा कोई कठिन शब्द नहीं है, तत्सम तद्भव पढ़े हो ना, तत्सम तद्भव हिंदी में था ना, तत्सम मतलब जैसा संस्कृत में था वैसा ही आज भी है। जैसे हस्त, पहले कहते थे हस्त, हाथ को, आज भी अगर मैं हस्त कहूं तो वो क्या है? तत्सम। तत् मतलब जैसे था, सम वैसे ही है। तो तत्सम तत्समक का मतलब हो गया कि उसमें जोड़ो भी, योज मतलब जोड़ो और तत्समक मतलब वैसे ही रह जाए, आप जोड़े भी हो लेकिन फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वही का वही रह गया। तो जीरो को चाहे जिसमें जोड़ोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए जीरो को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। जीरो को किसका? परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य मतलब जोड़, योग जोड़ना, एडिशन, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं, 1/7 लिखा है ना, इसमें एक से गुणा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? गुणा करोगे कितना आएगा बताओ जरा? 1/7, 1/7 आया, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब एक जो है वो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक, मतलब एक से इसमें गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग का तत्समक जीरो है, गुणा का तत्समक एक है। योग का तत्समक जीरो, योग का तत्समक कौन है? जीरो। जीरो योग का तत्समक है और एक किसका है? गुणा का तत्समक है। एक से किसी में गुणा कर दो कोई फर्क पड़ता है? गुणा करने पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसी संख्या जिससे गुणा किया जाए कोई फर्क ना पड़े, तो गुणात्मक तत्समक हो गया, गुणात्मक तत्समक। और शून्य जो है वो क्या है? योगात्मक तत्समक, उसमें चाहे जोड़ो कोई फर्क ही ना पड़े।